जब मैं आई हूँ यहाँ संकल्पों के विमान में परम श्रेष्ठ अवस्था शांति पूरे सैन फ्रांसिस्को परिवार को हमारा बहुत सारा रूहानी प्यार। ये बहुत अच्छा है, दूर बैठे भी अपने बेहद परिवार से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। ये भी ड्रामा ने ऐसे साइंस के साधन तैयार कर दिए जो दूर बैठे भी हम मुलाकात कर सकते हैं। तो रूहानी दृष्टि से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं, सब बाबा के नजदीक आते जा रहे हैं। और अब जरूरत है बाबा की भी और अपनी भी सारी आशाएं पूर्ण करने की। अपनी भी आशी यही है कि हम जल्दी जल्दी परफेक्ट बन जाएं, हमारे अंदर पूरा बाबा का ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाए। बाबा की भी आश यही है कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मेरे समान फरिश्ता बन के ऊपर आ जाएं। उसकी तैयारी हम सब स्पीड से कर रहे हैं और ज्यादा हमको करना है। तो आज जो टॉपिक है विकर्म विनाश, तो ये एक तरह से जैसे हमारी क्लींजिंग की बात आ जाती है, टोटल क्लींजिंग, विकर्म विनाश। तो विकर्म एक तरह से हमारे ऊपर चढ़ी हुई मैल है और उसको बाबा आकर के क्लीन करते हैं, तो पतित पावन कहलाते हैं। वो सबसे नंबर वन प्योरिफायर है जो आत्मा में जो इतने जन्मों की रिकॉर्डिंग्स हो जाती है नेगेटिविटी की,
उसको डिलीट कर सकता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बाबा बहुत बड़ा ब्लॉटिंग पेपर है, तुम्हारी नेगेटिविटी सक कर लेता है। इसलिए भक्ति में बाबा को नीलकंठ भी कहा है। नीलकंठ, जिसका कंठ वोकल कॉर्ड ये नीला हो, नीला मीन्स उसमें पॉइजन है, जहर है। तो वो तो स्टोरी यही बताते है कि शंकर जी जहर पी गए, सारे संसार का जहर पी गए, और जो जहर पी के न मरे वो शिव होता है। तो हमारा बाबा हमारा सारा जहर भी पी लेता है और बियॉन्ड डेथ भी रहता है और सदा रहेगा। और बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, तो उसने हमें प्रोसेस बता दिया है कि विकर्म विनाश का प्रोसेस क्या होता है, और हम उस प्रोसेस पर एप्रोप्रिएट चलते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं। थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि विकर्म विनाश से पहले विकर्म बनते कैसे हैं और आत्मा पर पाप लगता कैसे है, फिर समझेंगे कि उतरता कैसे है। हम सब ने चार युगों का साइकिल क्रॉस किया है और हर युग में हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती गई, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे सारे रिकॉर्डिंग्स का बेस होती है। जो भी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है हम जानते हैं, आत्मा के बाद, आत्मा में थॉट के बाद इंटेलेक्ट है, फिर रिजॉल्व्स है। संस्कार मीन्स ही आत्मा के अंदर बहुत जबरदस्त रिकॉर्डिंग सिस्टम है। इवन जो भी हमारा थॉट होता है, थॉट से एटीट्यूड बनता है, वो भी अंदर रजिस्टर होता है, इम्प्रिंट होता है। और थॉट्स के बाद वर्ड्स है, एक्शन है, और इस सारे से डीप होती है, जिसको बाबा वृत्ति कहते हैं, डीप डिजायर्स, वो भी रजिस्टर होती हैं। सम डीप डिजायर्स कभी वर्ड्स एंड एक्शंस में नहीं भी आती है, इंटरनल काम करती हैं। तो ये चारों युगों में जैसा हमारा चला वो आत्मा में रजिस्टर होता गया, क्योंकि परम धाम से जब आत्मा नीचे उतरती है तो एकदम ब्लैंक सीडी होती है, उस पर कोई भी तरह के रिकॉर्डिंग्स नहीं रहती है। सिर्फ उस टाइम पर आत्मा का एक स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी होता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि कर्म से संस्कार बनते है। तो बाद में हमने समझा कि ये जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, डीप डिजायर्स है, ये भी संस्कार बनाती है, क्योंकि वो हमारे कर्म से बनती हैं। वृत्तियां हमारे कर्म का रिसाइकिल प्रोसेस होता है, एक विशेष साइकिल, जो साइकिल से अगेन एंड अगेन साइकिल बनता है, उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति मीन्स वृत्त, सर्कल, सर्कल्स जैसे रिपल्स होते हैं, छोटा बड़ा 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 ऐसे रिपल्स की तरह चलता है, ऐसे वृत्ति होती है, रैपिड थॉट एंड रैपिड एक्शन। तो डीप डिजायर के रूप में वो काम करती है, उससे भी हमारे अंदर इम्प्रिंटमेंट होती है। तो सतयुग त्रेता के लिए बाबा कहते हैं, आपका पिछले संगम युग का फल खाने का पीरियड होता है। संगम युग पर जो बाबा आए और हमने
पुण्य कर्म किए, पॉजिटिव रिकॉर्डिंग्स की, उससे आत्मा का प्योरिटी का एक्सटेंडेड मेंटेन हुआ। गोल्डन एज, सिल्वर एज दो पीरियड्स ऐसे थे जिसमें हमने उसका रिजल्ट लिया, इसलिए उस टाइम अकर्म है। उस टाइम की जो आत्मा पर प्रिंटिंग है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप से नहीं होती है, जस्ट थोड़ी सी बैटरी आत्मा की डिप्लीट होती है। जो 16 कला संपूर्ण आत्मा आई थी मिडल एज द्वापर तक आकर के, वो 8 कला 50% हो जाती है। अब 50% पर जब आत्मा पहुंचती है द्वापर युग में आकर के, तो उस टाइम बॉडी कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है। देह अभिमान का पीरियड जो उस टाइम पर आकर के स्टार्ट होता है, तो देह अभिमान मीन्स एक नेगेटिविटी के लिए रोड ओपन होता है, स्पेस बनता है, आत्मा अपने को तैयार कर लेती है कि वो नेगेटिविटी को रिसीव करती है। उस टाइम पर आत्मा के अंदर जो नेगेटिविटी को रिसीव करने की डोर ओपन होती है, तो थॉट, वर्ड्स, एक्शंस, देन रिएक्शंस, वृत्तियां सब डाउनवर्ड जाती हैं नेगेटिव साइड। उस टाइम जो हमारे अंदर रजिस्टर होता है वो होता है, पहले है कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस। कामनाओं के बाद जहां जहां कामना पूरी नहीं हुई उसके रिएक्शंस, पूरी हो गई तो रिएक्शन, नहीं पूरी हुई तो रिएक्शन। कहीं वो रजिस्टर होती है जाके ईगो के रूप में, कहीं रजिस्टर होती है जाके ग्रीड के रूप में, कहीं पर रजिस्टर होने लगती है। एक कामना अनेक कामनाओं को पैदा करती है तो लस्ट के रूप में। इस तरह रजिस्टर होते होते कलयुग आखिर तक आकर के एक ये विराट वृक्ष नेगेटिविटी का बन जाता है। जैसे गेहूं के 100 दाने जमीन के अंदर डाल दो तो उसकी जो प्रोडक्शन आएगी तो 1,00,000 दानों से ज्यादा आ जाएगी। सीड मल्टीप्लाई होता है। 1,00,000 दाने अगर जमीन में बीज दो तो करोड़ों दाने रिटर्न में हमको मिलते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग में हमने बॉडी कॉन्शियसनेस के सीड्स बोए हैं। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस के बीज बोए जाते हैं तो उससे लाखों करोड़ों तरह की नेगेटिविटीज, नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा होती है। थोड़े दिन पहले यहाँ भी क्लास में बात चल रही थी कि ये जो वाइसेस है उसका रूट बॉडी कॉन्शियसनेस, और बॉडी कॉन्शियसनेस सिर्फ 5 वाइसेस नहीं, लेकिन आज भी लिस्ट आउट करें तो 1,00,000 प्रकार का बॉडी कॉन्शियसनेस निकाला जा सकता है। तो ये द्वापर युग से हमारे सीड्स ग्रो हुए हैं, और सीड्स ग्रो होते 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 कलयुग लास्ट बर्थ तक लाखों तरह के बॉडी कॉन्शियसनेस के पिंजरे के अंदर हम सब आत्माएं कैद हो गई है। उसको कहेंगे जैसे कि विकर्म का असर आ गया आत्मा पर, लेप लग गया, मैल लग गई है। तो आत्मा मैली कह दो तो भी, आत्मा पिंजरे में फंस गई तो भी, आत्मा पर पाप लग गया तो भी। प्रैक्टिकली तो कोई लगने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन एक एनर्जी
ट्रांसफर होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी थी हम सबके पास दिव्य गुणों के रूप में, आंतरिक शक्तियों के रूप में, वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी विकारों की लिस्ट निकालो, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, रिप्लेस हो गई है। और अभी संगम युग फिर से एक ह्यूज रिप्लेसमेंट है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस के सीड से बहुत बड़ा बनन ट्री पैदा हुआ है, ह्यूज ट्री, ब्रांचेस आफ्टर ब्रांचेस आफ्टर ब्रांचेस, उसी को बनन ट्री बोलते हैं, बड़ का झाड़। एक ब्रांच से अनेक पेड़ पैदा हो जाते हैं उसके, ऐसे ही ये बॉडी कॉन्शियसनेस के सीड से बहुत बड़ा वट वृक्ष पैदा होके हमारे जीवन को उसने चारों तरफ से घेर लिया है, मकड़ी के जाले की तरह फंसा लिया है। पर बाबा हमारा सुप्रीम टीचर बहुत बड़ा उस्ताद है, अब उतना सारा जाला साफ करना हो, इतना बड़ा पिंजड़ा तोड़ना हो, इतनी सारी ब्रांचेस कट करनी हो बॉडी कॉन्शियसनेस की, तो उतने जन्म वापिस लेने पड़े, 84 जन्म वापिस लगा के फिर उसको डिलीट कर सके, पर ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं रावण 10 सिर वाला था, इतना पावरफुल, उसको जितना मर्जी बड़े से बड़ा महाबली आके लड़ने लगे, रावण से जीत नहीं सकता था। सारी दुनिया के सब बड़े से बड़े पावरफुल रावण ने हरा दिए थे, राम भी उसको मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके जो 10 सिर थे, एक काटते थे दूसरा लग जाता था, 10 सिर आपस में बहुत जुड़े हुए थे। तो जब बहुत थक गए राम उसके सिर काट 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 करके, तो कहते हैं विभीषण ने आकर बताया कि सिर काटने से रावण नहीं मरेगा, जितना मर्जी काट लो, लेकिन इसके प्राण इसकी नाभि में है। तो नाभि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी है, तो इसके नाभि में अमृत कलश है, उसमें भी अग्नि बाण मारो तो ये मर जाएगा। तो कहते हैं कि उसकी नाभि में राम जी ने अमृत बाण मारा और रावण मर गया। वास्तव में ये राम हमारे बाबा हैं, जो हमें हमारी नाभि पर सारा एफर्ट फोकस करने को बोलते हैं। अग्नि बाण है फोकस्ड एफर्ट, प्रोलॉन्ग्ड एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट, वो है जैसे कि अग्नि बाण। तो ये वाला अग्नि बाण बाबा ने हमें बताया है सोल कॉन्शियसनेस, एक सोल कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी कॉन्शियसनेस के ट्री को भस्म कर सकती है। एक सोल कॉन्शियसनेस लाखों प्रकार की जो बॉडी कॉन्शियसनेस अंदर रजिस्टर हो गए है उसको रिप्लेस करने की ताकत रखती है। जो एनर्जी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये सेकंड का ज्ञान है। सेकंड कौन सा सेकंड? राइट अंडरस्टैंडिंग का सेकंड। कभी बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में जीवन मुक्ति, यानी इतना जो ये मकड़ी का जाला बन गया, इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया, सेकंड में इस सारे से मुक्त हो सकते हो। ऐसा नहीं सेकंड में जीवन मुक्ति यानी बाबा की बात समझी और सेकंड में हम इस शरीर को छोड़ के सतयुग में चले जाएंगे,
सत्युग में भी जीवन मुक्ति होती है, लेकिन एक सेकंड में हम जो इतने जन्मों से इतना विस्तार बॉडी कॉन्शियसनेस का पैदा किया था, सेकंड की सोल कॉन्शियसनेस जो फिर प्रोलोंग करती रहे, जैसे कि एक पटरी स्टार्ट हो गई तो वो जीवन मुक्ति की डायरेक्शन में हम चल पड़ते हैं। उससे आज जिसको बाबा ने कहा, सुबह एक बार हमारी गाड़ी पटरी पर ठीक ठीक जाए, सारा दिन ठीक दौड़ती रहेगी, ये वो वाला एक सेकंड होता है। तो सोल कॉन्शियसनेस हमारे विकर्म विनाश की स्थिति का बेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे विकर्म बनाने का बेस है। विकर्म बनाए हैं बॉडी कॉन्शियसनेस ने, डिलीट होंगे सोल कॉन्शियसनेस से। अब सोल कॉन्शियसनेस के भी फिर बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इसको जिसने ठीक अंडरस्टैंड करके ठीक उसको पकड़ लिया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे बड़ा रिजल्ट ये आएगा कि उनको पुरुषार्थ बहुत इजी लगेगा। सोल कॉन्शियसनेस की ठीक प्रैक्टिस करके कोई पुरुषार्थ करते हैं तो उनके लिए पुरुषार्थ गेम हो जाता है, बहुत अच्छा मनोरंजन उनको इस पुरुषार्थ में फील होता है। थोड़ी मेहनत से ज्यादा रिजल्ट निकल सकते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस को ठीक समझते हुए हमें ये समझना है कि हमें ये वाली प्रैक्टिस बहुत एप्रोप्रिएट करनी है। हम सबको मालूम है कि ब्रह्मा बाबा की स्टार्टिंग की प्रैक्टिस हैदराबाद सिंध से मेन प्रैक्टिस फॉर इयर्स यही वाली रही। बाबा लिख लिख के डायरीज भर देते थे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मल आत्मा है। तो डायरी लिख लिख के भरना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो लिखते हुए वो डीप इम्प्रिंट होती है जाकर के। लिखने की स्पीड बोलने की स्पीड से स्लो होती है, तो उस लिखने के साथ साथ अंदर विजुलाइजेशन चलती है। तो ओनली लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखना मीन्स उसमें एनग्रॉस होना, उसके विजन को कैच करना, उस टाइम फील करना, मेन सब्जेक्ट फील करना कि ये और मैं दो अलग एंटिटीज है, दो अलग एंटिटीज। तो ये हमको चेक करना है साथ साथ कि मुझे कितना एक्सपीरियंस होता है कि बॉडी और मैं दो होते हैं। नहीं तो जब भी आई यूज करते शब्द मैं, तो ये याद आता है जो मिरर में देखा होता है इस पर माइंड फोकस हो जाता है, या फिर इसकी पोजीशन, मेल फीमेल रिलेशन, वो चीज ओवरपावर करती है। लेकिन उससे पहले और उसके साथ साथ ओवरपावर करे स्टार, स्टार का विजन और स्टार की पोजीशन, स्टार की क्वालिटीज, स्टार के रिलेशंस, आत्मा के भी तो रिश्तेदार है ना। स्टार का रिलेशन, स्टार का घर, स्टार की क्वालिटीज, उस पर माइंड जब फोकस होता है तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारी जितनी नेगेटिव रजिस्ट्रेशंस थी उसके डिलीट यानी रिप्लेस होने का, डिलीट माना ही रिप्लेस होती है एनर्जी। मेरे कॉन्शियसनेस, मेरे सोल को बोलते सोल कॉन्शियस, तो मेरे कॉन्शियसनेस में रहे, मेरे डीप अंदर
थॉट सिस्टम में रहे, जिसको डीप डिजायर भी कह सकते हैं कि मैं क्या होती हूं। तो ये मैं एक है जो इस पूरे जन्म में हमने मैं रजिस्टर की है। जब से इस शरीर में आत्मा एंटर करती है, एवरी सेकेंड एक बॉडी कॉन्शियसनेस की मैं रजिस्टर हो रही है। एवरी सेकेंड एक डिफरेंट नई मैं, डिफरेंट सो मैनी एक्सपेक्टेशंस, रिलेशंस और वर्ल्डली पोजिशंस, तो सारी अंदर रजिस्टर होती जाती है। तो उसको हमने बार बार रिप्लेसमेंट देनी है। तो इसलिए ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, बहुत कंसिस्टेंट। जैसे बहुत पुरानी मैल होती है तो बहुत लंबे टाइम की क्लींजिंग रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस, सिर्फ एक बार अमृत वेला किया, मुरली से पहले थोड़ी देर योग किया, अच्छी बात है। नमः शाम किया, अच्छी बात है। चलो एक घंटे में एक मिनट प्रैक्टिस किया, अच्छी बात है। पर ये सारी प्रैक्टिसेस इसलिए करते हैं कि कर्म करते हुए भी हम सोल कॉन्शियस होकर कर्म कर सके। इसलिए प्रैक्टिस होती है क्योंकि हमारे विकर्म बने हैं कर्म से, विकर्म विनाश भी होंगे कर्म से। तो बाबा ने हमें सिर्फ योग नहीं सिखाया है, कर्म योग सिखाया है। एग्जैक्टली राजयोग कर्म योग है। हमने बैठ के कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस किया हो, कितने भी एक्सपीरियंस हमने सुना दिए हमारों को, फिर भी हमने योग को किस स्टैंडर्ड से पकड़ा है उसका दर्पण, उसका प्रूफ हमारे कर्म है। कर्म करते हुए हमारे अंदर से क्या प्रोजेक्ट हो रहा है उससे पता चलेगा कि हमने योग में कितना एनर्जी को रिप्लेस किया है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट वाइल वर्किंग हमारी कॉन्शियसनेस है, किस कॉन्शियसनेस में रह के हम कर्म कर रहे उससे पता चलेगा। सुबह शाम बैठ के क्या प्रैक्टिस की थी, वो प्रैक्टिस ठीक है तो कर्म को इफेक्ट करेगी, और कर्म को इफेक्ट नहीं कर रही है। मुरली रोज सुन रहे हैं, योग रोज लगा रहे हैं और गुस्सा भी रोज कर रहे हैं और आलस भी आ रहा है, लोभ लालच भी आ रहा है, लस्ट भी आ रहा है और योग भी रोज कर रहे हैं। तो इट मीन्स सोल कॉन्शियसनेस जो ठीक पकड़ना चाहिए था उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग अभी बाकी है। नहीं तो हमारा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि एक मिनट 60 सेकेंड की भी राइट वे की सोल कॉन्शियसनेस एक्यूरेट, जिसमें आप सोल के ओरिजिनल वैल्यूज को एक्सपीरियंस करते हो, आत्मा की मूल शांति पवित्रता शक्ति को एक्सपीरियंस करते हो, वो एक मिनट की भी ठीक सोल कॉन्शियसनेस एक घंटे पर जाकर इफेक्ट कम से कम डालती है। समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि थोड़ी भी ठीक सोल कॉन्शियसनेस आपको पूरे दिन की एनर्जी दे देती है, और अगर हम जितनी देर बैठे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम भी ठीक से योग किया है तो हमारी दिनचर्या अफेक्ट ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो मेन बात अंडरलाइन करेंगे, विकर्म बनते भी कर्म से है, मिटते भी कर्म से है।
नहीं तो कभी कभी हम क्लास में बात करते हैं कि राजयोग से विकर्म विनाश जो हम कहते हैं, तो इट मीन्स बाबा को याद करने से विकर्म जो अब तक के पाप किए सब उतरते हैं, यानी आत्मा पतित से पावन बनती है। ओके, बनती है, हम मानते हैं बनती है, पर अगर सिर्फ योग लगाए से आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं इतने से ही पाप कट जाते होते, तो बाबा हम सबको आते ही ऑर्डर करते, बच्चे मैं आया हूँ पावन बना के घर ले चलने, चलो सब लोग घर बार छोड़ो, जंगल चलो, झोपड़ियां बनाओ, फल फूल खाओ, बाल बच्चे परिवार दुनिया छोड़ो और दिन रात योग 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 करो, आत्माओं जी बाबा का बच्चा हूँ, किरणें आ रही है, अंदर समा रही है, बाबा मेरा मैं बाबा का, बस पावन बन जाएंगे। नहीं बन सकेंगे इतना करने से भी, अगर जंगल में जाकर झोपड़ी में बैठकर हमारा 24 घंटे भी बाबा के साथ मन एकाग्र हो जाए तो भी आत्मा पावन नहीं बन सकती। प्योरिफिकेशन प्रोसेस ये कहता है कि बाबा ने हमें जो काम दिया, बच्चे घर गृहस्थ में रहो, कर्म करो, सेंटर पर जो समर्पित हो गए उनको भी खाना बनाओ, कपड़ा दो, आने वालों को अटेंड करो, मनी मैनेज करो, प्रोग्राम मैनेज करो, इतना सारा काम दे दिया। फिर कहते हैं राजयोग से भी कर्म विनाश होते है, तो इतना काम क्यों दिया, सिर्फ योग देना था ना। परिवार वालों को भी कहा कि बाल बच्चे पालो, किसी को छोड़ना नहीं है, निमित्त होके समझो सब कुछ बाबा का है, कर्म करो, क्योंकि आत्मा पर जो पाप चढ़ा है वो भी कर्म करने से चढ़ा है, और पाप उतरेगा कर्म करने से। तो योग से हम क्यों कहते हैं विकर्म विनाश, क्योंकि योग में हम जो सोल कॉन्शियस होते हैं और जो सुप्रीम सोल है, ऑलमाइटी सर्व शक्तियों का सोर्स, उससे कनेक्ट होके जो आत्मा अंदर एनर्जी रिटेन करती है अपने, उसको कर्म में यूज करती है। समझो हमको पाप लगा, विकर्म हमारा बना, हमने पिछले 10 जन्मों में 100 लोगों को दुख दे दिया, हमारे ऊपर पाप लग गया। पिछले 10 जन्मों में हमने 100 बार झूठ बोला, पाप लग गया आत्मा पर। अब ये जो लगे हुए पाप है अब उतारूं कैसे इस जन्म में, इस जन्म में मेरी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, मैं सोल कॉन्शियस होती हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख के सागर परमात्मा की संतान हूँ, मेरे अंदर अनलिमिटेड हैप्पीनेस आती है। और जो 100 लोगों को 10 जन्म में दुख दिया था, एक जन्म के एक महीना में, 6 महीना या 1 साल में 100 के 100 लोगों को पिछले जन्मों में जितना दुख दिया था उससे कई गुना ज्यादा सुख दे देती हूं, तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये एक तरह का उधार चुकाना है। अगर उधार किसी से ले लिया है 1 लाख रुपया, अब उस पर इंटरेस्ट भी लगता जाता है, और आपका उधार कर्ज तभी उतरता है जब आप उसको रिटर्न करते हो। जब तक आप उस उधार को वापस नहीं चुकाते हो माफ नहीं हो सकता, उसके लिए कमाई बढ़ानी पड़ती है। जब कोई कमाई बढ़ाता है तो जितना उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है
उसको उतना जल्दी चुका सकता है। तो संगम युग पर हम बाबा के बच्चे राजयोग के द्वारा अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। कौन सी कमाई, कौन सा उधर, बॉडी कॉन्शियसनेस से 5 वाइसेस जो आए, उन्होंने दूसरों से सुख शांति आनंद प्रेम उधार ले लिया, क्योंकि अपना डब्बा खाली हो गया था। बॉडी कॉन्शियसनेस आती है तो अपना सुख शांति आनंद प्रेम सब डिप्लीट होने लगता है। तब जब अपना सुख शांति खाली होता है तो ये ट्रेंड है द्वापर कलयुग में, हम दूसरों का सुख शांति छीनने लगते हैं। लस्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे की एनर्जी इनडायरेक्टली डिप्लीट कराते हैं, यानी एक प्लेयर एक ब्लिस छीनते हैं दूसरे से, हैप्पीनेस स्नैच करते हैं। और जब गुस्सा आता है तो दूसरे की शांति छीन लेते हैं, लोभ में आकर दूसरे का धन अपने हिस्से लेते हैं, तो भी दूसरों का सुख छीनते हैं। तो वाइसेस मीन्स ही दूसरे का सुख शांति प्रेम पवित्रता स्नैच करना, छीन लेना, ले लेना, तभी तो वाइसेस मीन्स एक दूसरे को दुख देना होता ना। तो हमने लिया है एक दूसरे का, इसलिए कलयुग के आखिरी जन्म में टोटल सारे रिलेशंस दुखदायी हो जाते हैं। जो हमने इतने जन्मों उनको दुख दिया था, वो सारे दुख वापस देते हैं। मीन्स दुख वापस देते हैं मीन्स जो उधार लिया था हमने उनसे, वो वापस मांगने आते हैं कि तुमने हमारा सुख छीना था, वापस दो। दूसरे का दुख देना मीन्स सुख की डिमांड करना, दूसरे का हमें अशांत करना मीन्स हमारे से शांति की डिमांड है उनकी। और हम सब का अकाउंट खाली हो चुका होता है। अब जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो हमारा अकाउंट वापस से भरने लगता है, हमारा खाता भरता है विथ 7 बेसिक वैल्यूज। और वो स्पीड अप होता है जब कनेक्ट होते हैं बाबा से। बाबा इन सब गुणों और शक्तियों का सोर्स है। तो हमारे विकर्म विनाश के प्रोसेस में है मेनली इस राजयोग के द्वारा 7 गुणों की प्राप्ति, 8 शक्तियों की प्राप्ति और बाबा से 8 संबंधों की प्राप्ति और अपने 5 स्वरूपों की पवित्रता की प्राप्ति। ये सारी चीजें मिलके हमारा ट्रेजर फुल करती है, खजाना भरता है। और फिर इतना बांट के ऐसा लगता है कि अभी भी अपना फुल है। अगर कोई बहुत कमा ले, 1 अरब खरब पति बन जाए और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का उधार हो, तो 1 लाख तो यूं ही चुका देगा, उसके बाद भी खाता रहेगा। तो बाबा ने हमें जो काम दिया कि संगम युग पर अभी योग बल से तुमको ऐसी कमाई करनी है जो अभी भी खाएंगे और पिछले 63 जन्मों के कर्ज भी उतारेंगे, अगले 21 जन्म बैठ के खाएंगे। और जहां तक मैं समझती हूँ, आगे भी 21 जन्म ये वाली कमाई नहीं खाते हैं, पूरे 83 बर्थ्स तक खाते रहते हैं। अभी लास्ट बर्थ भी हमारे पिछले संगम युग की कमाई का ही रिजल्ट था, जैसा हम थे तो पिछली कमाई हम लोग खा रहे थे। तो विकर्म विनाश करने के लिए हमें सोल कॉन्शियसनेस के साथ साथ
ये चार प्रैक्टिसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चार प्रैक्टिसेस कौन सी? एक आत्मा के सात गुणों का एप्रोप्रिएट अनुभव, बहुत सीरियसली आत्मा के अंदर जो बेसिक सेवन एनर्जीज हैं, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, नॉलेज, ये सेवन बेसिक वैल्यूज आत्मा की, इनका एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, इससे अपने को फुल करना। सात गुण, आठ शक्तियां जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां पढ़ाई है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग की, आठ शक्ति फुल करनी है। सात गुण, आठ शक्ति, बाबा के आठ संबंधों का अनुभव और पांच स्वरूपों का अभ्यास। आठ मुख्य संबंध है बाबा के, बाबा माँ, बाबा पिता, टीचर, सतगुरु, दोस्त, साजन, बच्चा और धर्मराज। ये आठों संबंध बाबा के ठीक अनुभव करें तो ये हमारा विकर्म विनाश का प्रोसेस पूरा होता है। पांचों स्वरूप में पांचों स्वरूपों की पवित्रता सर्वगुणों का राजा है। जो आत्मा की सेवन एनर्जीज जब फुल होती है तो कहते आत्मा पवित्र बन गई, पवित्र बनकर घर जाना है। ये नहीं हम कहते सुखी बनकर, शांत बनकर, शक्तिशाली बनकर आत्मा को परमात्मा के साथ घर जाना है। बाबा को भी पतित पावन कहते हैं, अशांत को शांत करता सिर्फ नहीं कहते। तो सेवन जो बेसिक वैल्यूज है उनका एग्रीगेट पवित्रता है, इसलिए पांच स्वरूपों की पवित्रता का ठीक अनुभव करना। इसको कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब बेशक ये चारों स्टेप्स पूरा पूरा डिटेल सब्जेक्ट है, फिर भी आप में से कई बाबा के पुराने बच्चों ने इनको बहुत समझा होगा, नए नए ने भी कुछ ना कुछ चखा चुकी तो जरूर की होगी। फिर भी इस सारे की बात समझने के लिए इस सारे को मैं समरी रूप में अभी ऐसा बात करती हूँ जो हमको ठीक प्रैक्टिस मिल जाए। बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक सेवन वैल्यूज पर बहुत थॉरो चाहिए और रेगुलर चाहिए, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। ये सेवन बेसिक वैल्यूज पांचों विकारों को डिलीट करने की, पूरा मार देने की ताकत रखती है, पर बहुत ठहराव से ये प्रैक्टिस चाहिए, जिसमें हम फील करते हैं कि मैं आत्मा और शरीर अलग है। इसमें वैरायटी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक दो प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी मैं बताती हूँ। एक प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं कि मोमबत्ती की प्रैक्टिस, जैसे कैंडल होती है ना, अब कैंडल में क्या होता है, ऊपर फ्लेम है और फ्लेम के नीचे उसकी स्टिक है, तो फ्लेम जब जलती है तो सारी स्टिक पिघलने लगती है, पिघलते पिघलते पूरा नीचे जब सारा मोम पिघल जाता है तो सिर्फ फ्लेम रह जाती है थोड़े से लिक्विड के ऊपर। तो इसमें हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं आत्मा
एक ऐसी लौ हूँ, एक ऐसी ज्वाला हूँ जो ऐसे यहाँ जग रही हूँ, और मेरे दिव्य प्रकाश से पूरी बॉडी मेल्ट हो रही है। ये ब्रेन मेल्ट हो गया, फेस मेल्ट हो गया, मेल्ट होके ये फाइव एलिमेंट्स में सारा मर्ज होता जा रहा है। यहाँ डिवाइन स्टार ऐसे तेज किरणें फैला रहा हूँ। शांत आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मेरी लाइट से ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। आर्म्स मेल्ट हो रही है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लेग्स मेल्ट होते होते एक लाइट की आउटलाइन बची, उसमें मैं स्टार तेज चमक रहा हूँ। मेरी पवित्र शांत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये आउटलाइन भी मर्ज होती जा रही है। अकेला स्टार यहाँ से ऊपर जाता हूँ, ग्लोब से ऊपर चारों ओर शांति की पवित्रता की किरणें फैला रहा हूँ। ग्लोब पीछे छूट जाता है, मैं स्टार अट्रैक्ट होता हूँ अपने आत्माओं के देश की ओर। ऊपर ब्लू स्काई क्रॉस करता हूँ, उससे ऊपर डिवाइन रेड गोल्डन स्काई, ब्रह्मलोक, उसमें मैं स्टार, बहुत सारे स्टार्स के साथ, सुप्रीम स्टार बाबा, शांति सागर, उनकी किरणों में बैठ जाता हूँ। गहरी शांति अंदर समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। देखता हूँ दूर तक फैला परम धाम, उसमें जगमगाते शिव बाबा, मैं उनकी क्रिएशन। शांति सागर तो फील करता उनके वाली शांति को अपने में समा रहा हूं। फिर मैं शांत सितारा ऊपर से नीचे उतरता हूं, नीले आसमान से ग्लोब की ओर, यहाँ शरीर के माथे पर आ जाता हूं। पूरे मिट्टी के शरीर के अंदर हर ऑर्गन में शांति की लाइट भर देता हूं। Thank you.
ये शांति की किरणें शरीर से निकल निकल कर चार और फैल रही ऐसे वन बाय वन हम सात बार ऊपर जाएं, फिर लौट आएं, फिर जाएं, फिर लौट आएं, शांति, फिर पवित्रता, फिर प्रेम, फिर सुख, फिर आनंद, फिर शक्ति, वन बाय वन। इससे मन को काम भी मिल जाता है और वन बाय वन करते हर एक गुण एक्सपीरियंस में आता है। तो हर एक गुण एक पॉजिटिव एनर्जी है, हर एक विकार नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको ये रिप्लेस करता है। इसलिए सिर्फ हम इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि मेरा क्रोध समाप्त हो जाए, मेरा लस्ट खत्म हो जाए। वो तो विराट पेड़ है, उसके बजाय हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर, शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। किसी को अंदर बार बार बातों से दुख, फियर, इनसिक्योरिटी आती है तो प्रैक्टिस करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बेसिक सोल के अंदर जो समाया हुआ ब्लिस से और ब्लिसफुल बाबा है, उस एनर्जी को अंदर भरते जाते हैं। कब फियर, इनसिक्योरिटीज और जो डीप पेन्स हैं अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस के, तो कब चले गए मालूम ही नहीं पड़ता है। सिर्फ बेसिक वैल्यूज की प्रैक्टिस ठीक करनी है, तो ये रिप्लेस होते हैं जब हमारे जेलेसी, हेट, फियर, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, इसी को ही हम कहेंगे विकर्म विनाश हो रहे हैं। क्रोध समाप्त हो गया तो विकर्म विनाश हो गया ना, लस्ट चला गया तो विकर्म विनाश हो गया ना। तो ये विकर्म विनाश माना, जो कल तक गुस्सा आता था आज हम उन्हीं बातों पर शांत हो जाते हैं और शांत होते हैं। जब अंदर हम ये बेसिक एनर्जी को फील करते और शक्तियां कैसे, आठ शक्तियां कैसे एक्सपीरियंस करनी है, उसके लिए बाबा ने काम दिया हुआ कि शक्तियों को इनवाइट करना होता है और मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर बैठकर शक्ति को ऑर्डर करो, तो शक्ति नहीं आए कि हो नहीं सकता। ऑर्डर करना, कोई भी बात सामने आए तो अपने को थॉट देना है ठीक विजुलाइजेशन से कि मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सहन शक्ति आओ। ये बात बहुत छोटी है, चलो सहन करो, लगेगा कि बात छोटी हो गई, हम बड़े हो गए, हम कमांड ठीक दें। कमांड अगर रॉन्ग दे दियो हो, ये फिर गलत बोलता है, ओहो फिर नुकसान हो गया, ओहो फिर बीमारी आ गई, आए हाय देखना उन्होंने फिर हमारे साथ ये गलत कर दिया, अब इतना सब कैसे सहन करे, तो कभी नहीं कर सकेंगे।
बाबा ने कहा सब बातें आपकी शक्तियों से छोटी हैं क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो और ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि ये एग्जाम्स ऑफ लाइफ ना आए, ये पेपर है, कल भी कहा अंत तक आने हैं। सिर्फ हमें ये सोचना है कि मैंने पास होके दिखाना है और उसका आधार है अष्ट शक्तियों की ठीक प्रैक्टिस करना। तो रोज हमें कम से कम आत्मा का एक गुण प्रैक्टिस के लिए लेना है, एक शक्ति प्रैक्टिस के लिए लेनी है और बाबा का एक संबंध। संबंध जो अनुभव हम बाबा के साथ करते ये हमारे अंदर के वैक्यूम को फिल करता है। वैक्यूम मतलब आत्मा में कुछ अनजानी सी भूख रह गई है, एक ऐसी भूख जो तड़फाती है, कुछ गैप्स हैं, मिसिंग दुनिया के अंदर अटेनमेंट्स हैं। बहुत कुछ हम दुनिया से ले लेना चाहते थे, पा लेना चाहते थे, अच्छा सा भाई हो, अच्छी सी माँ हो, अच्छा सा बाप हो, अच्छा सा हस्बैंड हो, अच्छा सा दोस्त हो, इस दुनिया का हम ले लेना चाहते हैं। पर इस दुनिया में ये सारे लोग बेस्ट मिल जाएं, होता नहीं है। मिल भी गए तो उन्हें कुछ हो ना जाए, हम डरते रहते, वो धोखा ना दे दे डरते रहते, वो किसी और को अपना ना बना ले डरते रहते। रिश्तों में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटीज और आजकल अनसर्टेनिटीज और धोखे आ गए। तो ये सब उतार चढ़ाव अंत तक होते रहने, कितना प्यारा रिश्तेदार हो पर उसके शरीर को कुछ हो जाए हम उसके लिए डरते हैं, हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। बाबा कहते मुझे बच्चा बना लो, मैं अमर हूँ। आत्मा आत्मा तो भाई भाई है, ना बच्चा है, ना बाप है, ना बीवी है, सब एक्टिंग कर रहे है। तो रोज बाबा से एक गहरा रिश्ता, कभी बाबा को बच्चा बनाओ, कभी बाबा को माँ बनाओ, कभी भाई बनाओ, कभी दोस्त बनाओ, कभी साजन, कंपल्सरी सब रिश्तों का अनुभव करना है, जिससे अंदर से एक वैक्यूम फिल होता है, एक भूख अंदर से समाप्त होती है, सांसारिक कामनाएं खत्म होती है। नहीं तो ये कामनाएं कभी पीछा नहीं छोड़ती, और कामनाएं जितने भी हमने पाप डिलीट कर दिए उस सारे को वापस ले आती है। जितना ज्ञान और योग के द्वारा हमने आत्मा की क्लींजिंग की, अगेन आत्मा मैली हो जाएगी। फिर से अगर संसारिक रिश्तों की अटैचमेंट में आत्मा जाती है तो इसलिए रिप्लेसमेंट जरूरी है। जो कमाया है उसका बैंक बैलेंस भी हमारा बनना चाहिए। तो ये बाबा के आठों संबंध, तो ये अपना चार्ट ऐसा बना लेना चाहिए। डेली का एक मूल गुण, डेली की एक शक्ति, डेली का एक संबंध बाबा के साथ एक्सपीरियंस करना, और कम से कम बाबा ने काम दिया हुआ है 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, कम से कम है। ये बाबा के मुरली के महावाक्य हैं कि बच्चों को 8 बार ये स्वदर्शन चक्र अवश्य घुमाना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास अवश्य करना है, जिसमें अपना अनादि स्वरूप मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं, बार बार ये लगे ये मेरा घर है, मेरा पीसफुल अबोर्ड है, धरती पर मैं मेहमान हूँ, पराया आया हूँ, धर्मशाला में हूँ, वापस चले जाना है। और सतयुगी दुनिया मेरा आदि स्वरूप ओरिजिनल, मैं धरती पर देवता उतरा था, नारायण उतरा था, लक्ष्मी उतरी थी, ये मेरा करप्टेड रूप है। प्रेजेंट टाइम की मेरी जो एक्टिंग है, ये एक्टिंग करप्ट हो गई है। ओरिजिनल मैं हीरो हीरोइन श्री लक्ष्मी श्री नारायण सर्वगुण संपन्न रूप से धरती पर उतरा हुआ एक्टर था। फिर से उसी एक्टिंग को मैंने वापिस पकड़ना है, मेरा वही रूप मंदिरों में पूजा जा रहा है, मेरी पूज्य स्वरूप की पवित्रता है। और अभी संगम युग चल रहा है, मेरा बाबा मेरा क्रिएटर आ गया है अपनी सारी प्रॉपर्टीज फिर से इनहेरिट करने के लिए।
मेरा पिता है, मेरा बाबा है, अपना सब कुछ मुझे दे देना चाहता है और बस ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता बने की बने रोज सुबह और शाम कम से कम एक एक बार जरूर ये देखना है कि मेरा संपूर्ण स्वरूप मुझे बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? कह रहा है, आओ हम और तुम एक हो जाएं। सूक्ष्म वतन में खड़ा मेरा संपूर्ण स्वरूप बुला रहा है, आओ हम और तुम एक हो जाएं। फील करना है कभी वो मेरा परफेक्ट एंजेलिक फॉर्म ऊपर से नीचे उतर रहा है। आते आते मेरे में समा गया, अब मैं परफेक्ट एंजेल हूं। कभी लगे यहां से एक लाइट की बॉडी निकली, ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बाबा के पास मेरा संपूर्ण फरिश्ता रूप खड़ा है, हाथों में विजय माला लेकर के मुझे बुला रहा है, आओ मुझ में समा जाओ, आओ फील कर। सूक्ष्म वतन में खड़ा बाबा के साथ मेरा संपूर्ण रूप, मैं ही हूँ ओरिजिनली, वो बिल्कुल बेदाग है, 100% प्योर है, पीसफुल है, हैप्पी है, डिटैच है, ईगोलेस है, सोल कॉन्शियस है। उसका स्टार बहुत तेज चमक रहा है, उसकी आंखें चमक रही है, मेरा ही परफेक्ट रूप है बुला रहा है। मैं सूक्ष्म वतन के बादलों पर लाइट लाइट एंजल चलता 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 अपने उस परफेक्ट रूप में मर्ज हो जाता हूँ और पूरे वर्ल्ड में लाइट और माइट फैला रहा हूँ। बाबा मेरे साथ खड़े हैं, दोनों की लाइट और माइट बिल्कुल बराबर चारों ओर पूरे ग्लोब पर फैल रही है। ऐसी प्रैक्टिस भी सुबह और शाम कम से कम एक एक बार जरूर 5-5 मिनट के लिए करनी चाहिए। 5 स्वरूपों के अभ्यास का एक जैसे एंडिंग पॉइंट होता है। और ध्यान रहे कि हमारे विकर्म विनाश होते हैं और विकर्म न करने से। हमारे विकर्म विनाश होते हैं सबको सुख देने से, प्यार देने से, शांति और शक्ति का सहयोग देने से, खुशी देने से, सब कुछ श्रीमत वाला देने से, मनमत वाला नहीं। मनमत वाली खुशी में तो हम विषय विकारों वाला सुख दिया करते हैं या वर्ल्डली लग्जरीज वाला सुख देकर के दूसरों का सेंसुअस प्लेयर बढ़ा दिया करते हैं, वो नहीं। लेकिन श्रीमत कहती है कि कोई आपको दुख दे रहा आप उसको सुख दे दो, कोई आपको नफरत दे रहा आप उसको प्यार दे दो, कोई आपके आगे ईगोइस्टिक होके क्रिटिसाइज कर रहा आप हम्बल होके उसको अप्रिशिएट करो, कोई आपको सताना चाहता है आप गुड विशेस दे दो, तेरा भला हो, तुम सुखी रहो, बद दुआओं के बदले दुआएं दो। ये सबसे बड़े एंटीडॉट्स है, सबसे बड़े पॉजिटिव वेपन्स है नेगेटिव वेपन्स को काटने वाले। दुनिया के पास आसुरी हथियार है जो हमारे पिछले जन्मों के पापों के रिजल्ट में आते हैं। कोई हमारे को दुख देता है, क्रिटिसाइज करता है, कोई हमारा धन छीनता है, कोई हमारे को डिफेम करता है, कुछ न कुछ आपस में रिलेशंस में होता है, तो उसका हमको टिट फॉर टैट कभी नहीं करना है। टिट फॉर टैट विकर्म विनाश करने नहीं देता है। विकर्म विनाश के लिए बाबा ने कहा है, गाली देने वाले को फूल चढ़ाओ, निंदक को मित्र समझो,
नफरत देने वाले को प्यार दो, दुख देने वाले को सुख दो, क्रोध करने वाले के साथ मन से शांति से व्यवहार करो, गलतियां करने वालों को बड़े होकर के क्षमा कर दो. दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऑफ विकर्म विनाश. डिलीट होते हैं इससे, नो अदर ऑप्शन. बाकी ऑप्शन टिट फॉर टेट के है, जिससे विकर्म बढ़ते चले जाते हैं. तो विकर्म विनाश के लिए ध्यान रखना है, और गलतियां ना हो जाएं. पूरी दिनचर्या में बाबा ने कहा हुआ है, काम बेशक कम करो, गलत नहीं करो. एक दिन में 100 काम करते हो, 10 करो, गलत नहीं करो, ठीक करो. एक दिन में 100 बात बोलते हो, 5 बोलो. वर्ड्स गलत बोलने से, दुखदाई बोलने से न बोलना अच्छा है. तो सब कुछ अभी समेटना है. समेटते समेटते सब कुछ कम करते जाना है. खाना कम, बोलना कम, सोना कम, और परचेजिंग कम, एक्सपेक्टेशंस कम, सोचना कम, देखना कम, सुनना कम. ये सारी सेंसेस पूरी दुनिया के सब चीज को अंदर रिसीव करती है. आंखें सब कुछ नहीं देखे, रोड पे जा रहे, मार्केट पे जा रहे, सब कुछ अपने काम कर नहीं है. लोगों ने क्या पहना, क्या बोलते, क्या करते, सब कुछ देखना सुनना नहीं, सब कुछ बोलना नहीं, वही बोलना जो एसेंशियल है. सब कुछ खा लेना नहीं, वही खाना जो कंपल्सरी बॉडी की नेसेसिटी है. सोना उतना लिमिटेड जितना कंपल्सरी बॉडी की डिमांड है, कंपल्सरी मिनिमम. बातें रिश्ते भी कम, परचेजिंग बहुत कम. अपनी इच्छाएं कम करते रहने से विकर्म तेजी से विनाश होते हैं. एक्सपेक्टेशंस को जीरो करना होगा. हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी बेसिक एनर्जीज को खा जाती है. हमारी बेसिक पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस को एक्सपेक्टेशंस खा जाती है. इसलिए एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट को आज ही कम कर देंगे. टारगेट कर लेंगे एक टाइम पीरियड को, इस पूरे साल में मैंने अपने सारे विकर्म विनाश करने हैं. अपने लिए अंडरलाइन करके लिख लेंगे. कुछ भी हो जाए, मैंने धर्मराज की सजा नहीं खानी है. कुछ भी हो जाए, इसलिए अभी और गलतियां जितना मालूम है वो नहीं करनी है. अपना ईगो सरेंडर करना है. जिसको दुख दिया माफी मांग लो. गलती ना होने पर भी चुप हो जाओ, सहन कर लो. बहुत जन्मों जिनको दुख दिया था, सब दुख की थालियां भर भर के देने वापिस आएंगे. जो दुख देने आ जाए, उसके थैले उसकी थालियां सुख से भर दो, वापिस प्यार दे दो. बहुत ईगोइस्टिक लोग मिलेंगे, हम्बल होके व्यवहार करो. एकदम निरंकारी, ये एनर्जी रिप्लेसमेंट है सारी. ये है प्रैक्टिकल विकर्म विनाश. जो बाबा से शांति प्यार सुख कमाया है वो बांटना है. लोग दुख लेके आए, हमारे पास सुख फालतू है, थैली भर के दे दो ना. लोग नफरत लेके आए है, बहुत सारा प्यार दे दो ना. क्योंकि हम तो प्यार के सागर से लेते हैं. हम तो होलसेल बिजनेसमैन है, तो होलसेल बांटते जाना है. सबका दिल जीतना, सबको संतुष्ट करना, सबकी सहन करनी है, पर सुनानी किसी को नहीं. तो ये महानता के मार्ग के राही हैं हम सभी. तो हमको इस महान मार्ग पर कदम रखते हुए अपने अंतर ज्योति को तेज करते जाना. हमारी बाहर की सभी बातों का सॉल्यूशन अंदर. जो बाहर एनर्जी कम लगे
बाहर से सुख कम है, बाहर से प्यार कम है, बाहर से शक्ति कम है, बाहर से मजा कम है, अंदर जाओ, गो इनसाइड, अंदर से स्टॉक लेके बाहर आओ, बाहर से डिमांड्स बंद, तुम सुख दो, तुम प्यार दो, तुम कोऑपरेट करो, तुम शक्ति दो, तुम हेल्प, नो, बाहर से नहीं चाहिए, अंदर वाला बाहर हमको सप्लाई करना है। तो अभी फिर से 5 मिनट हम एक प्रैक्टिस करेंगे, सुंदर प्रैक्टिस, कैसे प्यार का सागर बाबा हमें प्यार करता है, हमें अपनी सारी एनर्जीज की मदद करता है। थोड़ा चुस्त बैठते हैं, अलर्ट बैठ करके फीलिंग लेते हैं, एक बहुत अच्छी फीलिंग, मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे याद करता है और मुझसे मिलने चला आता है। अब इस टाइम भी मेरे बाबा मुझ पर फोकस है और मुझे मिलना चाहते हैं, मुझे अपने साथ सैर कराना चाहते हैं। तो हम एक सीन देखते हैं कि मेरे बाबा सूक्ष्म लोक में सफेद बादलों पर लाइट के ब्रह्मा शरीर में चमक रहे हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म लोक छोड़ नीचे उतर कर सामने आ गए। बाबा के नैनों से, मस्तक से प्यार के सागर की किरणें बरस रही है, जो मेरे ऊपर उतरती जा रही है। प्यार के सागर के बाबा उनकी किरणें लेजर बीम जैसी मेरे मिट्टी के शरीर को पिघला रही है। बाबा की इस दृष्टि ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट में दी है, एंजेलिक ड्रेस। फील करें, पूरी बॉडी लाइट की हो गई, एक लाइट की सुंदर ड्रेस में आत्मा ने पहनी हुई है, जिसने मुझे कवर कर लिया है। बीच में मैं स्टार चमक रहा, बाबा बिल्कुल मेरे सामने खड़े, धीरे धीरे चलते हुए मेरे नजदीक आ रहे हैं। बाबा ने लाइट का हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बहुत प्यार से सिर पर हाथ फिराकर बाबा ने मुझे एक लाइट का क्राउन गिफ्ट दिया, बहुत सुंदर लाइट का क्राउन, जिस पर अष्ट शक्तियों के हीरे लगे। बाबा ने मेरे माथे पर स्मृति का तिलक लगा दिया, तेज स्टार चमकने लगा। बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ फिराया, जैसे पूरे शरीर में चमकीला लाइट का बड़ा गाउन चमकने लगा। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि देते देते झील से गहरी आंखें जैसे मेरा हाथ पकड़कर उड़ा कर ले चले बाबा ऊपर, ग्लोब से पार, सूक्ष्म वतन के सफेद बादलों पर। बाबा मेरे सामने है, मेरा लाइट का सुंदर रूप है, अंग अंग लाइट का है, लाइट का बड़ा सा व्हाइट गाउन है, मेरे माथे पर स्मृति का सितारा चमकता है, सिर के चारों तरफ लाइट का क्राउन है। बाबा प्यार की दृष्टि दे रहे हैं, जैसे झील सी गहरी आंखें, प्यार का सागर बाबा, मेरा बाप, मेरा रचयिता, मुझे अपनी सारी शक्तियां दे रहा। बाबा की नजरें मेरे ऊपर ठहरते ठहरते लाइट का शरीर गायब हो गया,
एक स्टार बचा है, बाबा भी बिंदु हो गया, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता शरीर गायब हो गया और सामने दिख रहा है एक लाल आसमान, ज्योति बिंदु बाबा आगे आगे मुझे चुंबक की तरह खींचते हुए लेके जा रहे हैं। मैं स्टार बाबा की किरणों पर आकर्षित होता ऊपर जा रहा और ऊपर दूर गहरे सुनहरी लाल प्रकाश का लोक बाबा आगे जा रहे हैं और ऊपर बाबा की किरणें फैलती जा रही हैं, शांति की, प्यार की, सुख की और ऊपर बाबा स्थिर हो गए, किरणें पूरे ब्रह्मलोक तक दूर दूर फैलने लगी। मैं स्टार बाबा के नीचे, लाखों स्टार्स और नीचे, पूरा आत्माओं का झाड़, दूर नीचे दिखता है धरती का गोला, मुझ स्टार पर उतरती बाबा की किरणें, सब आत्मा स्टार्स पर जाती, दूर धरती के गोले तक जा रही है, वहां से भी सब शरीरों के स्टार चमकते चमकते, सबके शरीर मर्ज हो गए, सब स्टार्स आत्मा भाइयों को मुक्ति धाम खींच रहा है, ग्लोब से सारे स्टार्स ऊपर की ओर आ रहे हैं, ब्रह्म लोक में आकर आत्माओं के झाड़ में आकर टिक गए, बाबा की किरणें मुझ पर, मेरे द्वारा सब आत्मा स्टार्स भाइयों पर ये किरणें बरस रही है, सबको शांति, ये पवित्र किरणें मिल रही हैं। सारे आत्मा भाई मुक्त हैं, पवित्र हैं, शक्तिशाली हैं, सबका मूल रूप है, फिर से अपने को अपने संगम युगी रोल में देखें। मैं परम धाम से उतरा स्टार मस्तक पर, अंतर की आंख से देखता हूं, मेरे संबंध संपर्क में इस ग्लोब पर जो भी मनुष्य हैं, सब ऊपर से उतरे हुए पवित्र स्टार्स हैं और वापस जाने वाले हैं।
हम को एक्टर्स थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, लेन देन की सुख दुख की, बस ये शरीरों की ड्रेस उतार कर फिर स्टार बनकर उड़ जाना है। एकाग्र करते हैं अपने को, मस्तक वाला स्टार बाबा की पवित्र शांत किरणों के नीचे। ओम शांति।